नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। मैं हूं आपके साथ सदन जी। महाराजगंज से लोकसभा चुनावी मैदान में जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं और जनसुराज के समर्थन से एमएलसी बने थे सच्चिदानंद राय, और वो इस बार चुनावी मैदान में होंगे महाराजगंज से। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महाराजगंज की जनता चाहती है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। पहले आइए सुनते हैं सच्चिदानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, वो एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। आप लोगों को पता होगा कि मैं सारण स्थानीय निकाय से निर्दलीय विधान पार्षद हूँ। आप लोगों को भी पता होगा कि 2023 में, मतलब पिछले वर्ष, जब केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद शिक्षक प्रतिनिधि का भी पद जब खाली हुआ था, उसके उपचुनाव हुए मार्च महीने के अंत में पिछले वर्ष, तो हम लोगों ने एक और निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद साहब को समर्थन देकर, या कहिए कि उनको खड़ा करा के, हम लोगों ने एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास किया, जो शिक्षक नेताओं ने उन्हें पसंद किया और उन्हें भी विजयी बनाया। तो ये जो दो चुनाव हुए, दोनों चुनावों से एक चीज समझ में आ गया कि वो चाहे सारण चंपारण मिलाकर जो चुनाव हुआ शिक्षक वाला वो कहे, या केवल सारण जिले का मिला चुनाव कहे वो कहे, या किसी विधानसभा अगर या संसद क्षेत्र की बात करेंगे या पूरे बिहार की बात करें, तो बिहार जो बदनाम है कि नहीं, यहाँ जाति से लोग बाहर वोट नहीं करते वगैरह वगैरह, वो सारे मिथक साबित हुए। हमने ये पाया कि जिस जाति के का वोट सबसे कम था उसका विधान पार्षद बना, जिस मजहब का सबसे कम वोट था उसका विधान पार्षद बना, अर्थात जाति पार्टी मजहब से उठकर सारण चंपारण के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया, पांच जिले के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया कि बिहार के लोग जाति से नहीं बंधे हुए, बल्कि नेताओं ने उन्हें जाति में से बंधने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थात होता क्या है कि जातिवादी दल या मजहबी दल जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक प्रत्याशी थोप दे रहे हैं। कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होती, ये नहीं पता किया जाता कि वहां की जनता क्या चाहती है। वहां बैठे बैठे हुक्मरान तय कर देते हैं कि इनको हम भेज देंगे, किसी को एक बार, किसी को दो बार, किसी को तीन बार, किसी को बार बार भेजते रहेंगे, चाहे वो काम करें या ना करें। और फिर जनता के पास में दो ही विकल्प होते हैं, एक एक फॉर्मेशन एक तरफ है, पांच सात दल मिलकर एक फॉर्मेशन बना लिए, पांच सात दल मिलकर दूसरा फॉर्मेशन बना लिए, और बना के जनता के पास में एक ही विकल्प होता है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। और जब दोनों में से कोई पसंद नहीं होता तो उनके पास ऑप्शन बढ़ता है नोटा या घर में बैठ जाना। लेकिन ये दो चुनावों ने मुझे दिखाया कि अगर विकल्प उनके मन का हो तो भारी संख्या में वो हिस्सा भी लेते हैं और अपने मन के प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, और बड़े बड़े दलों को धूल चटाने का काम भी करते हैं, दो बार करके उन लोगों ने दिखाया। अभी ये जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो मैं तो चूंकि ये ऑलरेडी प्रतिनिधि हूं, मेरा अभी चार वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ, इसी 7 अप्रैल को मेरा 2 वर्ष पूरा हुआ, आज अभी 11 अप्रैल है, मतलब 4 दिन ही गया, अभी 4 साल बचा हुआ है। तो मेरा विचार नहीं था कि मैं चुनाव में उतरूं, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जो दोनों फॉर्मेशन हैं वो अपना प्रत्याशी बदलें, और जो वहां के लोगों को पसंद हो, जो महाराजगंज की जनता जिस जैसे प्रतिनिधि को चाहती है वैसा प्रत्याशी देने का काम करें, ताकि वो चयन कर सके कौन सा प्रत्याशी उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक दल ने तो घोषणा कर दी है, एक फॉर्मेशन ने जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट गया है, उन्होंने तो पुराने ही प्रतिनिधि को फिर से रिपीट करने का काम किया है, जबकि वहां उनको लेकर काफी वहां के लोगों में विक्षोभ है। और दूसरे दल ने, वो दूसरे फॉर्मेशन में ये एक, एक, एक पार्टी को गया है जो अभी तक मंथन ही कर रही है कि किसको खड़ा किया जाए। और जिस तरह के जिस सूचना आ रही है, वहां के लोग बड़े उद्विलित हो गए हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, ये दूसरा फॉर्मेशन भी जिस तरह का कैंडिडेट, जिस तरह का प्रत्याशी की चर्चा कर रहा है, वैसा देता है तो हम लोगों के पास तो विकल्प नहीं बचेगा नोटा दबाने के सिवा अथवा घर में बैठने के सिवा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे ऊपर उनका विश्वास है, उनका बहुत दबाव आया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई मेरा 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी एक तरफ जो है सो काफी प्रतिबद्ध हूँ, मुझे मौका अगर मिलेगा तो लड़ाना चाहेंगे तो मैं लड़ भी जाऊंगा, तो दोनों सीट तो नहीं रख पाऊंगा, कोई एक ही रख पाऊंगा। तो वैसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो दोनों फॉर्मेशन है वो पुनर्विचार करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर दें जो कि स्थानीय हो, जो आप सबको प्रिय भी हो। देखिए, ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, जब बाकी जगहों बात करके हमने देखा, मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता कैमरा पर, लेकिन मैंने जब बात करके देखा तो मुझे पता चला कि उनको तो बस घमंड है, उनको तो है कि जिसको भी चुनकर भेजेंगे जनता मजबूर है, उनको जिताएगी करेगी क्या।
तो ऐसी स्थिति में आज अंतरात्मा की आवाज भी आ रही थी और कुछ हमारे मित्रों ने वहां से फोन करके एक तरह से कहिए तो मुझे बाध्य कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल नामांकन कीजिए। जैसे दो बार जिताकर आपको और आपके आपके प्रतिनिधि को भेजा है, इस बार भी आपको जिताकर भेजेंगे ताकि दिल्ली में भी हमारे मन का कोई वकील पहुंचे, कोई थोपा हुआ वकील न पहुंचे। जब ये बात आई तो एक बार तो मेरे विचार में आया कि मैं चलता हूं पहले महाराजगंज चलकर अपने लोगों के बीच में बात करके बात करूंगा, लेकिन जब पटना पुल तक ये जेपी सेतु तक पहुंचते पहुंचते मन में विचार आया कि नहीं, अब ज्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है, अब समय आ गया है कि मैं निर्णय लूं। मैंने निर्णय लिया और तभी मैं गंगा जी के किनारे से मुड़कर आया और 4 बजे का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तय किया। ये है कि अब चाहे जो हो जाए, महाराजगंज की जनता को उनके मन का एक विकल्प देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि कोई दल, जैसे दोनों दल, दोनों ही फॉर्मेशन अगर एक कोई ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिसको महाराजगंज की जनता कहती है कि नहीं नहीं आपको जो लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद है या हमें ये पसंद है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं चुनाव न भी लड़ूं। लेकिन ऐसा होता हुआ अपना प्रतीत भी नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का काम करूंगा। और मुझे विश्वास है जिस तरह से 2 बार महाराजगंज, सारण और सारण चंपारण की जनता ने तय किया और अपने मन के प्रत्याशी को जिताया, जाति मजहब और पार्टी से ऊपर जाकर निर्दलियों को जिताने का काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव भी मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। यही सूचना देने के लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। आप भी निर्दलीय से खड़ा। आपने साफ तौर पर MNC सचिदानंद राय को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराजगंज की जनता चाहती है कि हम महाराजगंज से चुनाव लड़ें। एक ऐसा वकील चाहिए महाराजगंज की जनता को जो कि दिल्ली में बैठे और महाराजगंज की जनता की आवाज़ सीधे दिल्ली तक पहुंचे। और उन्होंने कहा कि हम भारी अंतर से महाराजगंज से जीतेंगे, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये 4 जून को पता चलेगा सबके कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। 45 खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए अग्निस्टैंड रिपोर्ट पर। मेरे सहयोगी नंदन के साथ मैं सदन जी पटना।